निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक जीत है, लोकतंत्र की जीत है, प्रयागराज की जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। इस नाते प्रयागराज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रयागराज की जनता का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं, जो आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, माननीय केशव जी की जो योजना है कि प्रयागराज एक सुंदर, स्वच्छ और पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला शहर बने, उस निमित्त सरकार की जो योजनाएँ होगी उनको धरातल पर उतारने का प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। साथ ही साथ आम जनता भी एक फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान करा पाए, उस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम के अंदर बनाने का काम करूँगा। आपके जो देखिए आगामी कुंभ मेला, ये हम सब लोगों के लिए एक चुनौती है। सरकार इस दिशा में बहुत ही गंभीर है, अनेक परियोजनाएं चल रही हैं कुंभ मेले के आयोजन को लेकर। उन परियोजनाओं को समझा जाएगा, उसमें और गति लाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ और उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता महसूस होगी तो अपने प्रयागराज की जनता के जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे सहयोग लेकर के, उनसे राय लेकर, उनके मशवरा लेकर के और भी चीज़ों को उसमें जोड़ने का काम करेंगे, ताकि एक सुंदर शहर बन करके कुंभ मेले में आए हुए तीर्थयात्रियों का स्वागत करें। हृदय से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जिस प्रकार का अद्भुत आशीर्वाद प्रयागराज की जनता ने दिया है, मैं जीवन पर्यंत प्रयागराज की जनता का ऋणी रहूँगा और अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण प्रयागराज की जनता को समर्पित करता हूँ। आपका स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन इसी प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाता रहे। मैं पूरी तन्मयता के साथ प्रयागराज की जनता की सेवा करने का काम करूँगा। आप सब लोगों ने इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया है, मैं नतमस्तक होकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। आप जमीनी नेता रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे? उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने मुझे तो देखा है, पिछले 30 सालों से आप सब लोगों ने मुझे देखा है, तो उसी ज़मीन पर रह करके समाज की समस्याओं का समाधान ये अपनी प्राथमिकता, और साथ ही साथ एक समरस समाज बने, एक मजबूत समाज बने। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रयागराज की पावन पुण्य भूमि पर सफाई कर्मचारियों का जब पांव पखारा, तो केवल पांव ही नहीं पखारा, समाज को भी एक मजबूत बनाने का काम किया। उसी प्रकार के विचारों को लेकर के समरस समाज बनाने का काम भी नगर निगम के माध्यम से, अपने दायित्व के माध्यम से, अपनी जिम्मेदारियों के माध्यम से जैसे करता रहूँ, इसे करता रहूँ। बहुत बहुत